नमस्ते सर। जी नमस्कार। हम लोग गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस या शासन व्यवस्था। जैसा आपको जानकारी है, कल से नया बैच शुरू किया है हम लोगों ने गवर्नेंस का। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का सेम सिलेबस है, एक ही साथ हम दोनों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हूबहू सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है। जो यूपीएससी का था उसी को कॉपी किया गया है यूपीपीसीएस में। कल हमने आपसे बात की थी कि गवर्नेंस का क्या महत्व है परीक्षा में। 40 से 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं गवर्नेंस से, कम से कम 40 नंबर और अधिकतम 80 नंबर। हालांकि जो ये 40 से 80 नंबर का वेरिएशन है, तो हम ये भी बात कर रहे थे कि वेरिएशन क्यों है। तो वास्तव में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये सारे टॉपिक एक दूसरे से घनिष्ठ तौर पर जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि कई बार प्रश्न का नेचर ऐसा होता है कि ये डिसाइड करना कई बार कठिन होता है कि वास्तव में उस प्रश्न को हम पॉलिटी का पार्ट माने या गवर्नेंस का पार्ट माने या सोशल जस्टिस का पार्ट माने। तो उस वजह से भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। नेचर क्या है गवर्नेंस का, हमने बात की थी। करंट बेस्ड है, बेसिक एडवांस सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। यूपीएससी की तुलना में यूपीपीसीएस का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो है, लेकिन मैं बता रहा था आपको कि अपेक्षा यही की जाती है कि अब हम यूपीएससी स्टैंडर्ड की ही पढ़ाई करें। यूपीपीसीएस के लिए भी जिस तरीके से अब अदर स्टेट के लोग यूपी में पास हो रहे हैं, अगर यूपीएससी स्टैंडर्ड की तैयारी नहीं है तो यूपीपीसीएस में पास होना मुश्किल है। क्या सोर्स होगा गवर्नेंस, इन सारी चीज़ों की कल हमने आपसे बात की थी। आज हम आपसे सिलेबस की बात करेंगे कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस क्या है। सेम सिलेबस है, फिर भी हम दोनों सिलेबस आपको आपके सामने लेके आए हैं, यूपीएससी का सिलेबस भी और यूपीपीसीएस का सिलेबस भी। तो आज हम उस सिलेबस की बात करेंगे आपसे। मूल सिलेबस क्या है यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, पहले वो देखेंगे। और फिर मैं आपको कैसे, किस क्रम में पढ़ाऊंगा, किस तरीके से पढ़ाऊंगा, तो उसकी बात करेंगे। और तब फिर जैसा मैंने बताया था कि हम शुरुआत करेंगे 2019 से 2013 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं गवर्नेंस में, यूपीएससी में, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपसे। उसी तरीके से यूपीपीसीएस में 2018-19 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। और तब फिर सिलेबस पे आएंगे। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपसे सिलेबस के ऊपर। दोनों मीडियम में यहाँ सिलेबस लिखा है आपके सामने, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं उन्हें भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए तो खैर है ही ठीक। तो सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस यहाँ आपके सामने है। अगेन देखेंगे थोड़ा बहुत यहाँ भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है, कारण कि यूपीएससी ने कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट में क्लासिफिकेशन नहीं किया है। सेकेंड पेपर का नाम आप देखें तो राजव्यवस्था, संविधान, शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बस ऊपर ये सारे हेडिंग लिख दी गई हैं और फिर पूरा कंटिन्यूटी में सिलेबस है।
सिलेबस के अंदर आप देखेंगे तो यूपीएससी ने ऐसा क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण नहीं किया है कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, फिर गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, फिर सोशल जस्टिस में क्या और फिर आईआर में क्या। तो ये बस आपका हमारा इंटरप्रिटेशन होता है कि हम किन चीज़ों को पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानते हैं, किन को गवर्नेंस का, किन को सोशल जस्टिस और उसी तरह से आईआर। आईआर तो चलिए अलग से दिख जाता है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ भी वेरिएशन आपको मिले, कोई और टीचर कुछ और बता सकता है इसमें प्लस माइनस। मेरे अनुसार जो गवर्नेंस का पार्ट है वो मुझे लगता है कि सबसे सटीक मैं ही आपको बता सकता हूँ, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर हूँ तो ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी है जितनी मैं दे सकता हूँ आपको, शायद कोई दूसरा नहीं। तो मेरे अनुसार यूपीएससी के सिलेबस में गवर्नेंस में जिन चीज़ों को शामिल किया गया है, एक आप देखेंगे सरकार के मंत्रालय और विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक ऑब्लिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। तो एक ये टॉपिक जिसे हम गवर्नेंस का पार्ट मानते हैं, शासन व्यवस्था की चीज है ये, दूसरा देखें आप तो सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, स्टेट्यूटरी रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, नाम नहीं लिखे हैं बस वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, स्टेट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज, कुछ प्रमुख जो संस्थान हैं इनसे जुड़े हुए हम वो पढ़ते हैं। आगे देखेंगे तीसरा है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। अब इसी को आप देखेंगे कि ये गवर्नेंस में रखा जाए या सोशल जस्टिस में, यहाँ विवाद हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। पब्लिक पॉलिसीज या लोक नीतियाँ, ये बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक टॉपिक होता है। हाँ, उसमें हम डिफरेंट पॉलिसीज नहीं पढ़ते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी या हेल्थ पॉलिसी या कुछ और, लेकिन पब्लिक पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्या है, अभिकल्पन मतलब उनकी डिज़ाइन, उनका इम्प्लीमेंटेशन मतलब कैसे पॉलिसीज़ का निर्माण होता है, कैसे उनका क्रियान्वयन होता है, उससे जुड़े इश्यूज क्या होते हैं, ये चीज़ें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। और डिफरेंट पॉलिसी जो है, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, ये अब सोशल जस्टिस का पार्ट है। तो यहाँ पर्याप्त गुंजाइश है विवाद की कि इस टॉपिक को हम गवर्नेंस में रखें या सोशल जस्टिस में रखें। हम बेसिकली यहाँ आपसे बात करेंगे वही पब्लिक पॉलिसीज़ क्या हैं, उनसे जुड़े जो इशूज़ हैं, उनके अभिकल्पन और
क्रियान्वयन मतलब डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े जो विषय जो इशूस हैं हम उनकी बात करेंगे। और जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं हेल्थ एजुकेशन वो सोशल जस्टिस, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य भूख गरीबी से संबंधित विषय ये सब सोशल जस्टिस का पार्ट हैं, तो उनसे जुड़ी नीतियाँ भी वो फिर सोशल जस्टिस में पढ़ा जाए वो बेहतर है। तो एक तरह से कहें कि आधा पार्ट यहाँ गवर्नेंस का है और डिफरेंट पॉलिसीज वो सोशल जस्टिस का पार्ट। अगला देखेंगे, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, उसमें एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, सिटीजन्स चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। तो ये सिलेबस में लिखा हुआ गवर्नेंस, और प्लस लास्ट लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। तो ये सिलेबस है यूपीएससी का, जिसे हम गवर्नेंस का पार्ट मानते हैं। सेम सिलेबस यूपीपीसीएस का है, एकाध शब्द का अंतर है, अदरवाइज हूबहू वही है। पहला हूबहू वही, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका हूबहू वही है। सेकेंड में थोड़ा सा चेंज है, सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, और जो फिर थोड़ा सा चेंज है, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग, नीति आयोग इंक्लूडिंग नीति आयोग देयर फीचर्स एंड फंक्शनिंग। तो यहां स्पेशली नीति आयोग को मेंशन कर दिया गया है, बाकी वही बात है कि हमें वेरियस सांविधिक विनियामक और अर्ध न्यायिक निकाय पढ़ने हैं, मेंशन नहीं था सिलेबस में यूपीएससी, यूपीपीसीएस ने एक मेंशन कर दिया है नीति आयोग, बाकी और जो हम अपनी मर्जी से पढ़ें। तीसरा वही है, थोड़ा सा इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा है, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय एवं एवं के बाद देखिए एक्स्ट्रा लिखा है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हालांकि ई गवर्नेंस आगे लिखा हुआ है सिलेबस में यूपीएससी में भी और यहाँ यूपीपीसीएस में भी, तो इसलिए वो फिर बात वही है, वहाँ पीछे वो आईसीटी लिखने का बहुत औचित्य नहीं है, क्योंकि ई गवर्नेंस वैसे भी सिलेबस में अलग से लिखा है तो हम वो पढ़ते ही हैं। तो ये पूरा वही है, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस,
अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय, ये सेम वही। और थोड़ा सा आप देखें तो शब्दों का अंतर है। लास्ट 5 नंबर में लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स। उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में थोड़ा सा ये 2-4 शब्द यहां एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं। मूल वही लोकतंत्र में लोक सेवाओं की भूमिका। तो एक तरह से कहें कि कुल 5 टॉपिक, 5 यूनिट, जो भी हम इनको बोलें, टॉपिक कहें, यूनिट कहें, ये यूपीएससी के सिलेबस में हैं। और सेम हम देखते हैं कि यही 5 यूपीपीसीएस के सिलेबस में एक आध जो शब्द प्लस माइनस हैं वो आप यहां देख रहे हैं। तो गवर्नेंस में इन्हीं चीजों की हमें बात करनी है। लेकिन अब देखिए आप जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस है बहुत क्लियर नहीं है कई चीजें, बहुत क्लियर इन द सेंस। सबसे अच्छा उदाहरण वही कि विभिन्न स्टेट्यूटरी, रेगुलेटरी और क्वासी जुडिशियल बॉडीज। अब इसमें हम कौन कौन सी पढ़ें और कौन कौन सी नहीं पढ़ें, ये अब यहां हमारे हाथ में है। एक पढ़ें, दो पढ़ें, 4 पढ़ें, 8 पढ़ें, कौन से 4 पढ़ें, कौन से 2 पढ़ें, अब ये हमें अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना है। जैसा हम इंटरप्रेट करेंगे अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ सिलेबस प्लस माइनस हो जाएगा। हो सकता हम 2 पढ़ा के आपको छोड़ दें, ज़्यादा है तो 2 सामवेदिक, 2 विनियामक, 2 अर्धन्यायिक, या 4-4 पढ़ लें, या और जितने हैं हमारे देश में सब प्रश्न तो कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस उसी तरीके से। एक बार तो यही प्रश्न पूछा गया था कि विभिन्न अर्धन्यायिक निकायों की चर्चा करें हमारे देश के, तो हमारे ऊपर है कि हम कुछ की चर्चा कर लें, लेकिन कोई पर्टिकुलर भी पूछा जा सकता है। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी को कहा जाता है एक अर्धन्यायिक निकाय है। अब आप देखिए अगेन वही बात हो गई ओवरलैपिंग की कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। यहां आप वो हमें क्वासी जुडिशियल बॉडी में, यहां भी हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि वो एक अर्धन्यायिक निकाय है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आप देखिए, वो संस्था नहीं है, कोई बॉडी या निकाय नहीं है, लेकिन वो एक मैकेनिज्म या प्रोसेस है, उसे हम क्वासी जुडिशियल कहते हैं, अर्धन्यायिक कहते हैं। तो वैसे तो यहां निकाय पढ़ने की या जो बॉडीज हैं उन वो पढ़ने की अपेक्षा की गई है, लेकिन हाँ प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के महाभियोग की है उसे भी अर्धन्यायिक प्रक्रिया की संज्ञा दी जाती है। तो हमने फिर जो ये सिलेबस लिखा है अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा अब उसको देखिए। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस है वो मैंने बताया आपको। अब मेरे अनुसार क्या सिलेबस, क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए गवर्नेंस में उनको देखें आप। तो सबसे पहला तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा हर जगह हम पढ़ते हैं,
इथिक्स है तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ गवर्नेंस है तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, तो हम हर जगह पढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट में हमने वही लिखा है जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, शासन, अभिशासन, सुशासन, स्मार्ट शासन, कॉरपोरेट शासन, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं। गुड गवर्नेंस है, कॉरपोरेट गवर्नेंस है, स्मार्ट गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस तो अलग से लिखा है सिलेबस में। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, हम इनको जानेंगे, जानना चाहिए हमें। उसके बाद दूसरा देखें आप, तो शासन व्यवस्था में जवाबदेही और नियंत्रण की संकल्पना और उसके संस्थागत उपाय, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। शासन व्यवस्था में जवाबदेही, नियंत्रण की संकल्पना, उपाय, अब कौन कौन से उपाय हैं वो फिर यहाँ हम पढ़ेंगे। विधायिका कैसे नियंत्रण करती है शासन को, कार्यपालिका कैसे नियंत्रण करती है, न्यायपालिका, जनता, या अलग से देखें मीडिया भी हमने लिखा है नीचे। तो अब कैसे विभिन्न संस्थाएं प्रशासन को कंट्रोल करती हैं, उनके क्या तरीके होते हैं नियंत्रण के, क्या साधन होते, क्या सीमाएं होती हैं, उन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तीसरा देखिए, प्रत्यायोजित विधायन, प्रशासनिक अधिकरण और न्यायिक सक्रियता, यह सिलेबस में, सॉरी, हाँ ठीक है, ये सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम बात करेंगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स या प्रशासनिक अधिकरण है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये दूसरे पॉइंट से ही जुड़े हुए पॉइंट हैं, तो हम इनको पढ़ेंगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, विधायिका का नियंत्रण पढ़ते हैं तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जुड़ा है, न्यायपालिका का नियंत्रण पढ़ते हैं तो न्यायिक सक्रियता जुड़ी हुई है, प्रशासनिक अधिकरण उससे जुड़े हुए हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे। अगला देखिए, सिलेबस में लिखा हुआ है, सतपीर एडमिट करो। अगला, चौथा सिलेबस में लिखा हुआ है सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय कौन कौन से हैं, कुछ यहां मैंने मेंशन किए हैं, कैट, एनजीटी, सेबी, इरडा, ट्राई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, एनआईए, इंफॉर्मेशन कमीशन या सूचना आयोग, निर्वाचन आयोग, इसमें और जुड़ेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ के नाम लिखे हैं, कैट आप देखें तो एक सांविधिक संस्था है, 1985 में संसद ने कानून बनाया है, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, उसके तहत गठन हुआ है। अर्ध न्यायिक भी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, सारे उसी तरह से, कुछ क्वासी जुडिशियल हैं, कुछ स्टेट्यूटरी हैं, कुछ इसमें रेगुलेटरी हैं, कुछ स्टेट्यूटरी प्लस रेगुलेटरी हैं, कुछ स्टेट्यूटरी प्लस क्वासी जुडिशियल हैं, तो वो सब कुछ यहाँ नाम लिखे हैं, इसमें और जुड़ेंगे, तो ये सब हम पढ़ेंगे। अगला देखिए, सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न जीएस में भी पूछा जाता है, निबंध का भी टॉपिक है, रोल ऑफ मीडिया या मीडिया की भूमिका, और उसमें आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, रोल ऑफ सोशल मीडिया या सोशल मीडिया की भूमिका, तो हम वो पढ़ेंगे यहाँ। अब ये देखिए, सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है टॉपिक, तो जैसा हमने कहा कि अब ये सारी बातें इंटरप्रिटेशन की हैं, और इंटरप्रिटेशन हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे एक्सपीरियंस पे आधारित है, ये हमारा बैकग्राउंड क्या है उस पे आधारित है।
हम पवेट के टीचर हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए इंटरप्रेट करते हैं कि या गवर्नेंस में क्या क्या बातें शामिल होती हैं। स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट में हम देखते हैं चीज़ों। लेकिन आजकल तो ऐसा प्रचलन है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले भी गवर्नेंस पढ़ा रहे हैं, एथिक्स पढ़ा रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में तो फिर अब कुछ नहीं कह सकते हम, अदरवाइज जो विषय का जानकार या विशेषज्ञ है तो अब उसका अनुभव, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है और ज्यादा सटीक वही होता है। आगे बढ़ें, अगला देखिए, उसमें शासन व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी की संकल्पना और संस्थागत उपाय। पारदर्शिता लिखा हुआ है सिलेबस में, जनभागीदारी सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन पारदर्शिता और जनभागीदारी आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए यहां पारदर्शिता सिलेबस में लिखा है ट्रांसपेरेंसी, जनभागीदारी या पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं लिखा है, लेकिन जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि पारदर्शिता जनभागीदारी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो फिर एक अलग टॉपिक हमने बना दिया है। शासन व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी की संकल्पना और संस्थागत उपाय, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, उसके क्या क्या उपाय हैं। बहुत सारे उपाय हैं भागीदारी पारदर्शिता के। यहाँ सिलेबस में दो उपायों की चर्चा की गई है, एक नागरिक चार्टर या सिटीजन चार्टर, ये नागरिक चार्टर या सिटीजन चार्टर आप देखेंगे एथिक्स में भी सिलेबस में लिखा हुआ है, यहाँ गवर्नेंस में भी लिखा है। और दूसरा आप देखें ई गवर्नेंस या प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ई गवर्नेंस में फिर उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके मॉडल क्या हैं, उसकी सक्सेसेस क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीजें। लेकिन इसके अलावा पारदर्शिता और जनभागीदारी के कुछ और उपाय भी होते हैं, वो सिलेबस में यहां लिखे नहीं है मैंने, लेकिन यहां लिखे हैं आरटीआई या सूचना का अधिकार, सामाजिक लेखा परीक्षा या सोशल ऑडिट, और सभ्य समाज की भूमिका या रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। ये सब भी प्रशासन में पारदर्शिता और जनभागीदारी के साधन हैं, लेकिन सिलेबस में इनका जिक्र नहीं है। मेरे अनुसार ये सब भी पढ़ी जानी चाहिए चीजें, हम इन सब की भी बात करेंगे। अगला देखिए, सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है लेकिन मेरे अनुसार गवर्नेंस का पार्ट है, जनता की शिकायतों का समाधान तथा लोकपाल और लोकायुक्त। कहीं भी आपको सिलेबस में ये लिखा नहीं दिख रहा है। सिटीजन्स ग्रीवांसेस रिड्रेसल सिस्टम, उसमें लोकपाल लोकायुक्त और सबसे बड़ी शिकायत भ्रष्टाचार या करप्शन। भ्रष्टाचार जीएस फोर्थ पेपर एथिक्स में सिलेबस में है, यहां नहीं लिखा है। लेकिन आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, जिनकी आगे हम चर्चा भी करेंगे आपसे, यहां सेकेंड पेपर में करप्शन के ऊपर प्रश्न पूछा गया है।
फोर्थ पेपर में भी पूछा गया है, तो वहां तो सिलेबस में लिखा भी है, लेकिन यहाँ सेकेंड पेपर में भी करप्शन से प्रश्न पूछा गया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से जोड़ते हुए करप्शन का प्रश्न है। तो जनता की शिकायतें, उसमें सबसे बड़ी शिकायत भ्रष्टाचार, उसके समाधान के लिए लोकपाल तथा लोकायुक्त। इसी में था देखिए, ये भ्रष्टाचार, सीबीआई तथा सीवीसी। तो लिखा मैंने यहां करप्शन, सीबीआई, सीवीसी। अंजलि आप अपना माइक बंद कीजिए, बार बार आप अपना ऑडियो क्यों ऑन कर रहे हैं और फिर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं किसी से। तो करप्शन या भ्रष्टाचार, सीबीआई, सीवीसी सिलेबस में यहां लिखे नहीं है कहीं, लेकिन तो भ्रष्टाचार, सीबीआई, सीवीसी। अब आप देखेंगे कि सीबीसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, तो वैसे वो जो सांविधिक निकाय हमें पढ़ने, उसका पार्ट भी है, यहां करप्शन से जुड़ी हुई संस्था भी है। सीबीआई दिल्ली पुलिस स्थापना, जो विशेष पुलिस एक्ट बना है उसके तहत सीबीआई का गठन हुआ है। तो यहां से भी जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जो नियामक, अर्धनियायक और सांविधिक आप देख रहे हैं, वहां से जुड़ी हुई संस्थाएं भी हैं। सिलेबस में लिखा कहीं नहीं है। और आगे बढ़ें, देखिए 12 नंबर सिलेबस में लिखा हुआ है सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स। अब फिर यहाँ हमारे सामने चुनौती या दुविधा है कि हम कौन कौन से मंत्रालय और विभाग पढ़ें। सरकार के कम से कम 50 मंत्रालय विभाग हैं, तो अब अगेन देखिए हम ओवरऑल मंत्रालय विभाग का कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ लें, या आप कौन कौन से मंत्रालय विभाग पढ़ें, ये हमारे सामने यहाँ चुनौती है। तीन चार जो प्रमुख मंत्रालय हैं हमारे देश के, उनके नाम यहाँ लिखे हमने, वित्त मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस, विदेश मंत्रालय, फॉरेन और पर्सनल या कार्मिक मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो ये जो चार पांच सबसे बड़े और प्रमुख मंत्रालय माने जाते हैं हमारे देश के, वो यहां मैंने मेंशन किए। अगला देखिए, सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है मंत्रिमंडल, सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, लेकिन ये मंत्रालय और विभाग का ही पार्ट है। कैबिनेट सेक्रेटरिएट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछा जाता है मंत्रिमंडल, सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से। सिलेबस में ना मेंस में लिखा है ना प्रीलिम्स में, मेंस में मंत्रालय विभाग का हिस्सा है। तो हमने कहा अगर हमें आपके साथ जस्टिस करना है, न्याय करना है, तो हम पढ़ाएंगे ये टॉपिक, अदरवाइज नहीं पढ़ाएंगे, और आपको पता भी नहीं पड़ेगा क्योंकि कहीं वो सिलेबस में लिखा नहीं दिखेगा। तो ये बार बार जो कह रहा हूं मैं कि हमारे हाथ में कि हम किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं सिलेबस को,
किन बातों को शामिल करते हैं, किन बातों को शामिल नहीं करते हैं इसमें। अगला है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, मेंशन है सिलेबस में, आप देख रहे हैं। अब कुछ और चीजें यहां मैंने अलग से मेंशन कर दी, योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, फिनांस कमीशन है। अब इसमें प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अब नहीं है हमारे देश में, अब उनको रिप्लेस करके नीति आयोग बन गया है। आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस में नीति आयोग मेंशन है, यूपीएससी में अलग से मेंशन नहीं है। अगला मानवाधिकार तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सिलेबस में कहीं लिखा नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन प्रश्न बराबर पूछे जा रहे हैं। अब फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार हम गवर्नेंस का पार्ट माने या सोशल जस्टिस का पार्ट माने, यहां फिर विवाद हो सकता है, लिखा कहीं नहीं है सिलेबस में। लेकिन सोशल जस्टिस में एससी एसटी महिलाएं बच्चे, उन सबका कल्याण पढ़ना है, उन्हीं के मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन होता है हमारे देश में, तो उस लिहाज से वो सोशल जस्टिस का भी पार्ट हो सकता है, वहां भी पढ़ा जाना चाहिए। और यहाँ गवर्नेंस का भी पार्ट है, स्पेशली आप देख रहे हैं विभिन्न सांविधिक निकाय, स्टेट्यूटरी बॉडीज, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी एक सांविधिक निकाय है। 1993 में संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया है, उसी के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है, तो एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। प्लस देखें प्रभावक समूह, प्रेशर ग्रुप्स सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन अब प्रेशर ग्रुप्स में से भी हम क्या पढ़े नहीं पढ़े। इस बार आप देखिए 2019 में तो किसान आंदोलन पर प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने कि किसान आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने के लिए किन किन तरीकों को अपनाते हैं, कुछ इस तरह का प्रश्न जो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। देखें तो प्रेशर ग्रुप्स में कौन कौन से प्रेशर ग्रुप्स पढ़े जाएं या नहीं पढ़े जाएं, अब वो फिर हमें अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना है। तो एक ये प्रभावक समूह, आगे बढ़े, सिलेबस में लिखा हुआ है औपचारिक तथा अनौपचारिक संघ और शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, तो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस में लिखा हुआ है, ये पढ़ेंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता, ये मैंने यहां लिखा है, लेकिन ये तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसको वहीं पढ़ा जाना चाहिए, लिख दिया था मैंने यहां। कुछ और जो एक दो चीजें मैंने यहां लिखी हैं, लेकिन ये वास्तव में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये हम यहां नहीं पढ़ेंगे। ये हम जब पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे तो इनकी चर्चा वहां होगी। तो जो ये एक आप 19 नंबर देख रहे हैं, ये यहां हम नहीं पढ़ेंगे, लिखा था मैंने, लेकिन ये तो खैर प्योर पॉलिटी का ही टॉपिक है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 20 नंबर, ये भी हम यहां नहीं पढ़ेंगे, ये भी पॉलिटी का ही टॉपिक है, लिखा है ये भी यहां, पॉलिटिकल पार्टीज, एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून, वोटिंग बिहेवियर, राजनीति का प्राधिकरण, ये आप भी समझ सकते हैं ये प्योर पॉलिटी की चीजें हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स वगैरह, तो ये यहां नहीं होगा। संविधान समीक्षा आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये भी यहां नहीं पढ़ा जाएगा। संविधान समीक्षा आयोग, ये तो बेसिकली फिर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का ही टॉपिक है। हाँ, सेकेंड एआरसी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जरूर हम यहां बात करेंगे आपसे, क्योंकि लिखा कहीं नहीं है सिलेबस में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, बेसिकली प्रशासन की समीक्षा के लिए बना आयोग था, ये गवर्नेंस का ही पार्ट माना जाना चाहिए, लिखा कहीं नहीं है हम, लेकिन इसकी बात यहां करेंगे। संविधान समीक्षा आयोग पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा जाएगा।
प्लस ये अलग से लिखा ही हुआ है सिलेबस में, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें हम शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति नहीं पढ़ेंगे, वो सोशल जस्टिस में पढ़ी जाएंगी। आगे प्लान है कि एक सोशल जस्टिस का बैच भी आगे हम करेंगे शुरू, लेकिन पहले ये, अभी तो हम लोग एथिक्स पढ़ रहे हैं, गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, पवेट पढ़ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद फिर प्लान है कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी शुरू करेंगे, और तब फिर एक सोशल जस्टिस भी। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पढ़ाता रहा हूँ, सब लोक प्रशासन जुड़ी चीज़ें हैं। तो अभी इनके बाद फिर अगला वो दो तीन मॉड्यूल हैं जो प्लान में हैं, जिनको हमें शुरू करना है। तो यहाँ हम जो पब्लिक पॉलिसी, कैसे बनती हैं नीतियाँ, कैसे क्रियान्वयन होता है, उनसे जुड़े इश्यूज क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उन सब की यहाँ बात करेंगे। और लास्ट हमेशा मैं डॉट डॉट करके छोड़ता हूँ, फिलिंदा ब्लैंक्स वाली स्थिति, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ ये सारा यहाँ अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट की राय कई बार बदल जाती है। बेरुवाड़ी संघ मामले में कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और केशवानंद भारती मामले में कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो जब सुप्रीम कोर्ट की राय बदल जाती है तो भाई मेरी भी बदल सकती है। समय के साथ मुझे लग सकता है अच्छा कुछ और टॉपिक जो गवर्नेंस में पढ़े जाने चाहिए, या एक आध कोई ऐसा टॉपिक कि नहीं ये गवर्नेंस में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। तो प्लस माइनस के लिए ये लास्ट हम ब्लैंक छोड़ते हैं कि इसमें और चीज़ें ऐड हो सकती हैं, और कम तो खैर मैंने यही बता दिया कि जो चीज़ें नहीं हैं गवर्नेंस की, वो लिखा था हमने स्लाइड बनाते समय, तो वो उनको हम जब पॉलिटी पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पढ़ेंगे। तो ये हमारे अकॉर्डिंग सिलेबस है गवर्नेंस का। तो दोनों बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, यूपीपीसीएस का सिलेबस क्या है, और साथ ही साथ फिर मैंने आपको बताया है कि मेरे अनुसार क्या सिलेबस है, मेरे इंटरप्रिटेशन क्या हैं, जो मेरा अब तक का अनुभव है उसके आधार पे। तो हम इसी क्रम में पढ़ेंगे या इसी तरीके से पढ़ेंगे चीज़ें। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस में पांच टॉपिक लिखे हैं या पांच यूनिट, वो पांचों तो है ही, लेकिन हमने उन पांच को यहाँ 20-25 में डिवाइड कर दिया है। कई सारी ऐसी चीज़ें भी हमने इसमें ऐड की हैं जो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं लिखी हैं, लेकिन उनसे या तो प्रश्न पूछे जा चुके हैं और या भविष्य में उनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ये मेरे अनुसार सिलेबस होगा। किताबों की मैंने कल चर्चा कर रहा था मैं आपसे, कि गवर्नेंस पे अभी कोई भी ऐसी किताब मेरे ख्याल से तो नहीं है मार्केट में जो इन सारे टॉपिक्स को कोई एक ही किताब कवर करती हो। हाँ, लक्ष्मीकांत की जो किताब है, मैकग्रॉ हिल की, भारतीय शासन, आप चाहें तो उस किताब को ले सकते हैं। सारे नहीं, कुछ टॉपिक आपको वहाँ मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक इसमें से आपको जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब है लक्ष्मीकांत की, उसमें भी मिल जाएंगे, प्रेशर ग्रुप वगैरह, या चुनाव आयोग, या सूचना आयोग, या मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, इस तरह के टॉपिक आपको जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब है उसमें मिल जाएंगे। और कुछ टॉपिक हो सकता कहीं नहीं मिले, तो वो फिर तो हम करवा ही रहे हैं आपको सारा। तो ये सिलेबस है, आज मैं रोकूंगा यहीं। आप लोगों को अब जो भी पूछना है पूछिए, कल से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। जोड़ दो, एक दो लोग हैं ऐड में। कल से हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कशन शुरू करेंगे। तो 2019 से
2013 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की आपसे बात करेंगे हम। पहले यूपीएससी के प्रश्न डिस्कस करेंगे, फिर एक दिन यूपीपीसीएस के प्रश्न भी डिस्कस करेंगे, और तब उसके बाद फिर हम सिलेबस शुरू करेंगे। तो अब आपको किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ डाउट है, मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेरी है, तो पूछ सकते हैं। अब आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं और मन में किसी तरह का कोई प्रश्न अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। संतोष, प्रतीक, अंजलि, सुभाष और जो जो लोग जुड़े हैं, किसी के मन में कोई बात तो नहीं है गवर्नेंस से जुड़ी हुई? कोई डाउट नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है संतोष? संतोष, नहीं आपके सर, आपके फ्रेंड जो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अभी तो नहीं कर रहे हैं, एक अच्छा, दो दिन में वो करेंगे, मैं आपको बता दूंगा हाँ सर। ठीक है ठीक है। तो ताकि बोलिए कि अब करें ताकि छूटे नहीं फिर। ठीक सर, तो कल परसों हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जितना समय लगेगा, एक दिन दो दिन तो यूपीएससी का पेपर डिस्कस करेंगे, फिर यूपीपीसीएस का, और तब फिर सिलेबस। और मंडे से प्लान कर रहे हैं कि फिर मंडे से हम लोग इथिक्स भी कर लेंगे, तो टाइम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे कि गवर्नेंस कब करना है, इथिक्स कब करना है, तो आगे पीछे जैसे भी। तो मंडे से फिर हम लोग इथिक्स भी दोबारा अपना शुरू कर लेंगे फिर। तो इस हफ्ते गवर्नेंस ही, ताकि हमें लगा कि एक साथ प्रेशर आपके ऊपर भी नहीं पड़े। मैं भी अभी इस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे सीख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं भी अभी डरा सहमा सा रहता हूँ, तो इसलिए अभी हमें लगा कि अब दो अभी शुरू हमने कर लिए हैं कल से, गवर्नेंस पवेट, तीसरा एथिक्स हम लोग कमिंग मंडे ट्यूसडे से शुरू कर लेंगे। ठीक है, सर। आप लोगों को भी, ताकि प्रेशर इकट्ठा नहीं पड़ेगा, हमें भी थोड़ा सा, चूंकि अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ, नई टेक्नोलॉजी, तो इस वजह से भी हमें लगा कि एक साथ सब शुरू करें, और पता पड़ा कि फिर चीज़ें हो नहीं पाए ढंग से, तो बेहतर है कि आराम से सब करें। ठीक है, तो चलिए सर आज वो जो फिर। आधा हाँ, आधा सिलेबस तो सर आप ही यहाँ कंप्लीट हो जाएगा लगभग, है पूरे यूपीएससी का आधा सिलेबस तो लगभग आप ही आधे से यहाँ है। ज्यादा, आधे से ज्यादा हो जाएगा। कल ही हम जैसे पवेड में बात कर रहे थे कि 1750 में मोटा मोटी 1250 हम पढ़ा देंगे आपको, तो आधे से ज्यादा हम करवा देंगे। भाई 500 का ऑप्शनल पढ़ रहे हैं हम लोग, लगभग दो पेपर जीएस के पढ़ रहे हैं, तो 500 वो हो गया। और जब इतना पढ़ लेंगे आप, तो निबंध की कोई जरूरत नहीं है, और बल्कि भविष्य में निबंध का भी प्लान है कि एक एस्से का बैच भी करेंगे। और खैर, आप लोग तो जब इतना पढ़ लीजिएगा, हम ही से पढ़ लीजिएगा, तो निबंध की जरूरत रह ही नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग में वो भी है कि एक बैच आगे एक एक करके चीजें होती जाएं, अब ये तो निबंध का भी एक बैच, एस्से का भी एक बैच प्लान करेंगे आगे। तो 1750 में 1250 तो हम पढ़ा रहे हैं आपको कम से कम, तो आधा नहीं है, 2/3 है एक तरह से, जो हम ही पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना बताना है? नहीं, तो चलिए, रोक रहे हैं, शुरुआत है, तो इसीलिए अभी बहुत लंबा लंबा नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं भी फैमिलियर हो रहा हूं इन चीजों से, आप भी, तो कल आगे बढ़ाएंगे। तो कल हम लोग 2019 से प्रश्न डिस्कस करना शुरू करेंगे, गवर्नेंस का, यूपीएससी का। चलिए, तो आज फिर आप लोग जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं मीटिंग, कल हम लोग मिलेंगे। और शाम को तो खैर पवेट 6:30 जो चलता है, सो शाम को पवेट करेंगे। चलो।